The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So what is about heart diseases? भाई दिल की बीमारी से आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको लड़ना पड़ेगा, आपको उसके बारे में जानना ज़रूरी है। सो दिल की बीमारी के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि दिल में होता क्या क्या है। बहुत सिंपल से दिल एक मसल है, मस्कुलर पंप है। दिल के अंदर मसल भी है और उस मसल को सप्लाई करने वाली खून की नसें होंगी, इलेक्ट्रिकल नसें होंगी। सो दिल में एक मसल है, खून की नस है, इलेक्ट्रिकल नस है और उसके अंदर जाने वाला वैल्व्स है। वैल्व्स क्या करती हैं, एक तरफ खून जाने देती हैं, मतलब एक तरफ खून जाने देती हैं, दूसरी तरफ आता है तो उसको रोक देती है। सो दिल के अंदर ये पार्ट्स होते हैं। अब अगर दिल के अंदर प्रॉब्लम आती है इनमें से किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी चीज़, मान लीजिए दिल के अंदर वैल्व होते हैं, एक तरफ खून जाने देती हैं और दूसरी तरफ वापस आता है तो बंद हो जाती हैं वैल्व्स। सो दिल के अंदर मसल, वैल्व्स, इलेक्ट्रिकल और खून की नसें, ये सारी हैं। इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम होगी दिल की बीमारी होगी। और कंजेनाइटल बीमारी बचपन से भी हो सकती है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकता है दिल में, कोई भी स्ट्रक्चरल नॉर्मलिटी हो, कोई कंजेनाइटल बीमारी हो, या हो सकता है दिल की वैल्व में गड़बड़ी पैदा होते ही हो, दिल में छेद हो, वो सब चीज़ें हो सकती है, वो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स में आ गया जिसके साथ आप पैदा होते। लेकिन बाद में आप लोग क्या करते हो, सबसे कॉमन जो हार्ट अटैक होता है वो किसकी बीमारी है, दिल के अंदर जाने वाले खून की नसें भी, खून की नसों में ब्लॉकेज आ गया तो हार्ट अटैक आ सकता है। दिल को जाने वाली खून की नसें, दिल से निकलने वाली नहीं, दिल को जाने वाली खून की नसों में ब्लॉकेज आ गया, सो कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर, हार्ट अटैक उससे होता है। दिल को जाने वाली इलेक्ट्रिकल नस में प्रॉब्लम आ गया तो रिदम प्रॉब्लम आएगी, रिदम, हार्ट बीट रुक रुक के जाना, हार्ट बीट स्किप होना या फिर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाना, रिदम प्रॉब्लम, बहुत तेज हो जानी, बहुत स्लो हो जानी, ये सब रिदम इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए दिल में SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिंजेस, सारे ये नर्व्स के जंक्शन, ये बेसिकली पेस मेकर्स हैं दिल के अंदर प्रेजेंट। उसके बाद क्या है, दिल में वैल्व्स हैं तो वैल्वुलर प्रॉब्लम हो सकता है, वैल्व्स लीक हो सकती हैं, पूरी तरह से बंद नहीं हो रही, फुर्र लीक हो रही है, बंद नहीं हो रही, फुर्र लीक हो रही है, सो लीकेज प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या हो सकता है, वेल्व्स ब्लॉक हो सकती है, खुली नहीं रही, जैसे एक पाइप को आगे से मुंह दबा दिया तो क्या होगा, स्पीड से फूट जाएगा, वैसे खुली नहीं, वेल्व तेज जा रही है, बहुत तेज, जो उसमें से ब्लॉकेज, स्टेनोसिस बोलते हैं इसको, माइट्रल या aortic stenosis, चार वैल्व होते हैं दिल में, सुना होगा बचपन में, पढ़ा होगा 11वीं 12वीं में, राइट, चार वैल्व, aortic, pulmonary, उसके बाद में mitral, tricuspid, सो चार बेसिक, बाकी स्टेशन वैल्व वाले चार मोटे मोटे मेन वैल्व्स हैं, तो वो ब्लॉक हो सकते हैं। फिर हो गया वैल्व, हो गया खून की नसें, हो गया इलेक्ट्रिकल, फिर आई मसल, दिल के अंदर मांसपेशी है, मांसपेशी मोटी होगी तो क्या होगा, अगर मांसपेशी मोटी हो गई तो दिल के अंदर की स्पेस कम हो जाएगी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, अंदर की स्पेस कम होगी तो खून कम भरेगा, पंप भी बाहर कम करेगा, ये भी होता है। फिर अगर हार्ट की मसल्स फैल गई तो क्या होगा, इतनी सारा खून भरेगा कि उतना सारा बाहर पुश ही नहीं कर पाएगा, तो भी हार्ट फेलियर होगा। और नॉर्मल भी रहा, छोटा बड़ा नहीं हुआ, फिर भी पंपिंग पावर कम हो सकता है बहुत सारे कारणों से, दिल में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक होने के बाद, कोई मायोकार्डाइटिस यानी इन्फेक्शन होने के बाद, ये सब चीज़ें हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इन सब चीज़ों के सिम्टम्स के बारे में, बहुत ही जल्दी, समझने वाली बात है, थोड़ा फास्ट जा रहे हैं लेकिन आपको पसंद आएगा और रिव्यू करके फिर देख लेना बाद में चाहे। सो सिम्टम्स, हार्ट डिजीज के सिम्टम डिपेंड करेंगे इसमें से किस पार्ट के हार्ट को हो रहा है बीमारी। और अगर खून की नसों में बीमारी हो, जिसे कहते हैं खून की नसों में क्लॉटिंग आना, एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज, ऐसा होता है तो आपको ऑब्वियसली सिम्टम क्या आएंगे, दर्द होगा, क्योंकि खून ही कम जा रहा है, ऑक्सीजन कम जा रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी से वहां खून नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन पेन होगा, दैट इज द चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट में प्रेशर हो सकता है, दर्द हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, उसी को एंजाइना कहते हैं। ज्यादातर चलने फिरने पर होगा, और चलने फिरने पर सांस फूलेगा, और पेन, नमनेस, वीकनेस, कोल्ड, लेग में, उस आर्म में हो सकता है, उस
लेफ्ट आर्म में हो सकता है जहाँ हो रहा है वहाँ पर, जहाँ पर भी खून की नस नैरो हुई वहाँ पर, राइट, इवन गले में, जॉ में, थ्रोट में, थ्रोट में या पेट के ऊपरी हिस्से में हो सकता है, बैक में हो सकता है, वो रेडिएशन पेन होता है। यानी कि अगर हार्ट के नीचे हिस्से में खून नहीं जा रहा तो नीचे की तरफ पेट में दर्द ऐसा होगा, लगेगा आपको कि पेट में दर्द हो रहा है लेकिन वो हार्ट से दर्द है। हार्ट के पीछे वाले हिस्से में दर्द हो रहा है तो बैक में पेन हो सकता है। यस, दैट इज अ रेडिएटिंग पेन, दैट्स अ रेफर्ड पेन, राइट, दैट कैन हैपन। सो ऐसे में खून की नस ब्लॉकेज वाला हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, खून की नस ब्लॉकेज हुई तो होगा पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पसीना, स्वेटिंग, घबराहट, पाल्पिटेशन, ठीक। अगर मान लो बीट, हार्ट बीट की प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा? रिदम प्रॉब्लम। रिदम प्रॉब्लम में हमने ऑलरेडी बताया इलेक्ट्रिकल नसों में प्रॉब्लम होगी, एसए नोड में, एवी नोड में, बंडल ऑफ हिज में, या कोई नया ही सर्किट बन जाएगा। हार्ट रेट बहुत तेज बढ़ सकती है, हार्ट रेट बहुत स्लो हो सकती है, इररेगुलर हो सकती है। ऐसे में क्या होगा, आपको फ्लटरिंग लगेगा चेस्ट में, धड़ 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 लगेगा, रेसिंग हार्ट बीट लगेगी या स्लो हार्ट बीट लगेगी। इसके साथ में भी चेस्ट में पेन हो सकता है, इसके साथ में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, हो सकता है हार्ट इतना स्लो धड़क रहा है कि ब्लड प्रेशर ही नहीं बन रहा, इतना तेज धड़क रहा है कि भर ही नहीं पा रहा, भरेगा ही नहीं तो पंप क्या करेगा, सीधा ब्लड प्रेशर फॉल करेगा और आपको चक्कर आ सकता है, चक्कर आ सकता है, लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस, फेंटिंग, सिनकोप, ये सब हो सकता है रिदम प्रॉब्लम में। तो रिदम प्रॉब्लम इज दैट काइंड ऑफ एन इशू। फिर उसके लिए डायग्नोस करने के लिए क्या करना होगा, ECG और इकोकार्डियोग्राफी और होल्टर। होल्टर क्या है, 24 घंटे लंबी ECG। इको क्या है, हार्ट की सोनोग्राफी। ECG तो आपको पता ही है, वो चुंग 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 ECG, राइट। पहली वाली चीज क्लॉट वाला जो हागर, खून की नसों में क्लॉट, एंजाइना, उसके लिए भी ECG, इकोकार्डियोग्राफी, एंजाइम। एंजाइम कौन सा, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी। इस एंजाइम से क्या पता चलेगा, हार्ट में कहीं भी डैमेज हुआ तो 2 से 4 घंटे के बाद ब्लड में एंजाइम अप हो जाएगा। बेस्ट टेस्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड, एंजियोग्राफी, खून की नसों की देखेंगे कौन सी नस कहाँ बंद है, जहाँ बंद है उसको बलून डाल के खोल सकते हैं, छल्ला डाल सकते हैं, दैट इज एंजियोप्लास्टी। सो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक के लिए, हार्ट रिदम प्रॉब्लम के लिए ECG, इको, होल्टर, और जरूरत पड़ी धड़कन बहुत कम हो गई तो पेसमेकर, बहुत तेज होती है तो डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर क्या करता है, डुंग, शॉक देता है, जो शॉक आपको दूसरी मशीन देती है छाती पे, वो देखा है दुनिया में कि वो वाला शॉक, डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर या पेसमेकर, पेसमेकर धड़कन बढ़ाता है बाहर से, ये रिदम प्रॉब्लम के लिए। फिर हार्ट डिफेक्ट्स, कंजेनाइटल बीमारी। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्या है, जो आपका वो पैदा होते ही, जैसे आप पैदा हो गए, जल्दी पैदा हो गए, मान लो आपकी पूरे 9 महीने पूरे नहीं हुए, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में, कई लोग 6 महीने में तो सर्वाइव नहीं करते, 7 महीने में पैदा हो गए और हार्ट पूरी तरह नहीं बना, कोई ना कोई छेद रह गया, कोई ये उससे क्या होगा, कोई छेद रह गया, कोई वैल्व नहीं बना, कोई उल्टा बन गया, कोई गलत जगह लग गया, व्हाटएवर, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी बहुत टाइप की हो सकती है। होगा क्या, अल्टीमेटली हार्ट अपना जो पंपिंग है वो सही से नहीं करेगा, तो क्या होगा, आपके खून में ऑक्सीजन उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए, तो क्या होगा, साइनोसिस हो सकता है आपको, साइनोसिस हो सकता है, और क्या हो सकता है आपको, आपके पैरों में, पेट में या आँखों के आसपास सूजन आ सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। क्यों स्वेलिंग होगी, हार्ट बाहर पंप नहीं करेगा तो बैक प्रेशर से पूरे शरीर में ब्लड जमा हो जाता है, बैक फ्लो आता है, क्योंकि आगे नहीं पंप हो रहा तो बैक फ्लो से पूरे शरीर में एनासारका हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, बच्चों की सांस फूल सकती है, आपको बच्चे को खाना खाने में दिक्कत हो सकती है। ऑब्वियसली कंजेनाइटल प्रॉब्लम है तो इन्फेंट में, बच्चे में ही होगा, राइट, कंजेनाइटल, बड़े होके कुछ ही कंजेनाइटल प्रॉब्लम पता चलते हैं, बहुत माइनर सा छोटू सा छेद हुआ तो, राइट, उसमें ऐसा कुछ हुआ तो, राइट, और इससे क्या होगा, वेट गेन नहीं होगा बच्चे का, और अगर लेस सीरियस प्रॉब्लम हुआ तभी जाके वो बड़े होके एडल्टहुड तक डायग्नोस होगा। उस केस में क्या होगा, एक्सरसाइज करते समय, हैवी एक्सरसाइज, दौड़ते सौड़ते समय सांस जल्दी फूलते हुए दिखेगा, जल्दी थक जाएंगे एक्सरसाइज में, या हाथ पैरों में खूब सारा पसीना भी आ सकता है एक्सरसाइज के दौरान। सो ये वाली अलग हो गई, ये हो गया किसका, हार्ट डिफेक्ट्स, उसको डायग्नोस करने के लिए बेस्ट टेस्ट है इकोकार्डियोग्राफी, हार्ट की सोनोग्राफी। रिमेंबर दिस वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इकोकार्डियोग्राफी, 2D इको, 3D इको, 2D काफी है वैसे, राइट, और 3 उसमें डाउट मिला तो करते हैं ट्रांस इसोफेजियल इको। ट्रांस इसोफेजियल मतलब मुंह के अंदर ट्यूब डाल के हार्ट के पीछे से, बिल्कुल हार्ट से चिपक के इको होता है ऐसे, वो भी पॉसिबल। सो हार्ट डिजीज सिम्टम्स होते हैं, सो हार्ट डिजीज और भी होते हैं, हार्ट की मसल्स अगर वीक हो जाएं उसके वजह से, मान लो हार्ट की मसल जो है डायलेट हो गई, फैल गई, तो उसके वजह से क्या होगा, हार्ट की पंपिंग पावर कम हो जाएगी,
पंपिंग पावर कम होगी तो सांस फूलेगा, सांस कब फूलेगा, चलते समय भी, बैठे हुए भी, सीधा लेटते हुए भी, तो ऑर्थोपनिया होगा, पैरों में सूजन आएगी, एंकल में सूजन आएगी, फटीग, आराम से थक जाओगे, उस केस में हार्ट फैल जाता है तब भी वो फड़फड़ा सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, रैपिड हार्ट बीट, पाउंडिंग हार्ट बीट, फ्लटरिंग हो सकती है, और उस केस में हार्ट बीट रैपिड है प्लस हार्ट कमजोर भी है तो चक्कर जल्दी आएगा, लाइट हेडेडनेस, फेंटनेस यहाँ भी हो सकती है, किसी भी तरीके की हार्ट रिदम रिदम प्रॉब्लम में ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हार्ट में इसका क्या इलाज होगा, एक बार हार्ट फैल गया वापस उसको छोटा नहीं कर सकते, इसके साथ ही जीना होगा, एडजस्ट करना होगा, कम पानी पीना पड़ेगा, पेशाब जितना आ रहा है उतना या उससे कम पानी पियो, बैलेंस करो वरना पानी जमा होगा, हार्ट पे प्रेशर डालेगा। और क्या करना है, मेडिकेशन लेनी है, हार्ट की धड़कन नहीं बढ़नी चाहिए, 70-80 के पास पास, 90-100 नहीं रहनी चाहिए, हार्ट की धड़कन कम रखना है, बीपी कम रखना है, बीपी हाई होगा धड़कन हाई होगी, कमजोर हार्ट से ज्यादा काम कराओगे तो हॉस्पिटल तो पहुंचोगे, सिंपल सी चीज है। सो यू हैव टू लिव विद दैट एंड लर्न टू लिव विद कमजोर हार्ट, चाहे वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो या हाइपरट्रॉफिक, बड़ा हो जाए या मोटा हो जाए या फैल जाए, हार्ट कमजोर एक बार हो गया तो उसके साथ ऐसे ही जीना पड़ता है दवाइयों के साथ, या हार्ट ट्रांसप्लांट, वो ऑप्शन भाई जिसके पास पैसा है वो ऑप्शंस हैं वो कर सकता है। फिर हार्ट के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जी हाँ, हार्ट के अंदर मसल होती हैं, मसल में एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, अंदर की मसल्स हैं तो हार्ट के अंदर एंडोकार्डाइटिस होता है, मतलब वेल्व्स में इन्फेक्शन हुआ तो एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस मतलब हार्ट के वेल्व्स में, हार्ट के मसल में इन्फेक्शन हो, मसल में इन्फेक्शन होगा तो पंपिंग पावर कम हो जाएगा, एंडोकार्डाइटिस हुआ तो वेल्व खराब हो जाएगी। सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, इन्फेक्शन से क्या होगा, इन्फेक्शन होगा तो ऑब्वियसली फीवर होगा, इन्फेक्शन है तो फीवर होगा, हार्ट के अंदर इन्फेक्शन है तो हार्ट फेल होगा, फेल होगा तो सांस फूलेगी, सांस फूलेगी, वीकनेस आएगा, फटीग आएगा, पैरों में स्वेलिंग आएगी, हार्ट में प्रॉब्लम है तो सांस फूलना ही फूलना है, वीकनेस आनी है, पैरों में स्वेलिंग आनी है, और रिदम प्रॉब्लम भी आ सकती है अगर उस एरिया को इन्फेक्ट हो गया जो रिदम कंट्रोल करता है, साइनस नोड, एवी नोड कंट्रोल करता है रिदम प्रॉब्लम, रिदम प्रॉब्लम आएगी, चक्कर आएगा, बेहोश हो सकते हो, फेंटिंग हो सकती है, राइट। और ड्राई एंड परसिस्टेंट कफ हो सकता है, खांसी भी आ सकती है, जब भी सांस फूलेगा छाती में पानी भर सकता है, दैट इज पल्मोनरी एडिमा, उसमें मतलब बेसिकली, और खांसी आ सकती है। इसके अलावा फीवर, हार्ट वाले फीवर में स्किन के ऊपर रैशेज आ सकते हैं, परसिस्टेंट स्किन रैशेज, अनयूजुअल स्पॉट्स जिसको कहते हैं, दैट इज द रूमैटिक हार्ट डिजीज, एंड समटाइम्स इट इज बिकॉज ऑफ डेंगू के वजह से भी, डेंगू के वजह से मायोकार्डाइटिस भी होता है, रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। फिर हार्ट में नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीज वेल्व्यूलर हार्ट डिजीज, या रोमैटिक हार्ट डिजीज या वेल्व्यूलर हार्ट प्रॉब्लम, जो इन्फेक्शन का इलाज क्या है, एंटीबायोटिक या फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट, वायरल मायोकार्डाइटिस होगा तो कुछ नहीं कर सकते, सपोर्ट करना, एंटीवायरस नहीं, एंटीवायरस हर वायरस के खिलाफ नहीं आता, बैक्टीरियल है तो रूमेटिक है तो एंटीवायरल, तो एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक्स और सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो बाकी सब के लिए किया था, धड़कन कम रखो, बीपी कम रखो, पेशाब कम, पेशाब मॉनिटर करो, पानी कम पियो, ये बेसिक है, राइट। फिर हार्ट डिजीज में वैल्व्यूलर हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट के अंदर क्या है, वैल्व्स हैं, वैल्व्स क्या करती हैं, खोलती हैं, जब एक साइड फ्लो होना है ब्लड तो खुल जाती हैं, दूसरी साइड आ रहा है तो बंद हो जाती हैं, दैट्स द वर्क ऑफ द वैल्व, हमने बता दिया आपको, चार वैल्व, एओर्टिक, माइट्रल, पल्मोनरी, ट्राइकस्पिड, ये अगर ये डैमेज हो गई, मान लो रिगर्जिटेशन, ये भाई साहब बंद होने की जगह एक भाई लीक हो रहा है, सुर सुर इसमें से ब्लड आ रहा है, ऐसे ऐसे होने की जगह ये सही से बंद ही नहीं हो रही, तो लीक होगा, लीकेज से क्या होगा, जितनी ज़्यादा लीकेज, माइल्ड लीकेज कुछ नहीं होता, ट्रे जरा सा लीकेज कॉमन है, मॉडरेट लीकेज, सिवियर लीकेज, सारा का सारा ब्लड जो ऊपर जा रहा है एक तरफ वापस आ गया, वापस आ गया तो बाहर क्या जाएगा, बाहर नहीं जाएगा तो हार्ट फेलियर, एक ही बात हो गई, हार्ट फेलियर में तो सांस फूलेगा, पसीना, फटीग होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, इररेगुलर हार्ट बीट, क्योंकि वापस जो आएगा वो उसी चेंबर में जाएगा जो हार्ट के चेंबर में जहाँ से आ रहा वहीं जाएगा, वहीं ब्लड बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, वहाँ इतना प्रेशर है, वो चेंबर फैल जाएगा, वो फैलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, रिदम प्रॉब्लम होगा, कोई भी चीज़ बड़ी होगी उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल परफेक्ट एक लेवल के बाद नहीं रह सकता, रिदम प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल, सो रिदम प्रॉब्लम होगा और साथ में हार्ट फेलियर होगा, साथ में हार्ट में दर्द भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स, सो स्वेलिंग ऑफ द फीट, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, पैरों में सूजन, चक्कर आना, डिजीनेस, फेंटिंग, रिदम प्रॉब्लम, सारी चीज़ें वापस होंगी, बस इस बार प्रॉब्लम वैल्व में है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई ये सोचना ज़रूरी है, फिर आपको समझ में
आ जाएगा कि भाई कैसे हार्ट की बीमारी आगे बढ़ती है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट चीज हार्ट के अंदर आती है, हमने वैल्व देख लिया, हमने ये देख लिया, तो आपको डॉक्टर को कब दिखाना है? आपको डॉक्टर को दिखाना है जब भी आपको छाती में दर्द हो, जब भी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, फेंटिंग हो, पैरों में सूजन हो, तो हार्ट की बीमारी हो सकती है। और 40 साल के बाद हर साल हार्ट का टेस्ट कराओ, कम से कम ECG कराओ। बेस्ट क्या होगा, ECG, इको और TMT, ये तीनों बेस्ट है। एक बार कराओ, अगले साल ECG करा लेना, अगले साल फिर तीनों करा लेना। बेसिकली हार्ट को बचाओ, इट्स इंपॉर्टेंट। रिदम प्रॉब्लम है तो होल्टर या ECG इज द बेस्ट टेस्ट। तो हार्ट के अंदर ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। रिमेंबर, दिस इंफॉर्मेशन इज वाइटल, ये आपके लाखों रुपए बचा सकती है, करोड़ों रुपए बचा सकती है। अगर आप ये इंफॉर्मेशन लोगों तक शेयर करो तो उनके भी बच सकते हैं, अगर आप करो तो, राइट? सो दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ आया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, राइट डाउन down below, and if you want to contact me, meri information YouTube channel ke description mein di hui hai. Thank you so much.